घर दे विच कोई इन्नी चैन नहीं, सारे घर मेरे परेशान आ, पूरा परेशानी विचकार आ, ना उठन बच्चिया ने उन्होंने कोई लैन नहीं, बच्चिया बेचारियों भी कड़ी कोई दो, इस करके मैं कहना कि थोड़े चैनल जरिए कोई अगर मदद आएगी तो अगे बस यदा ट्रीटमेंट चलेगा। चार तंजीमां उन्होंने चार जी संतां बनी उन्होंने मैनू मदद की है, जो भी उन्होंने को जिन्ना भी हो सके उन्होंने मैनू मदद की आ, यह नहीं कह नहीं पिछे नहीं हटे। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, पर मेरा घर वाला 10-12-13-14 हज़ार रुपया पे लेने, मेरी छोटी दो बेटी। काश मैं ठीक हो, मैं अपने बच्चे को आप छोड़ा, आप मैडम ने पूछ किया मेरा बच्चा कैसा पढ़ा, 1.5 साल हो गए मैंने बैठ। शायद जो असी किसी का इं दुख देखते ना, अज पता नहीं किमें दिल के उत्ते पत्थर रखे, क्योंकि अक्सर मैंने ये चीज़ कही जाती है कि जो मैं किसी के नाल इदा गल करती है ना कि एक मीडिया परसन है, गल करते हुए मेरे ना हंजू रुकते नहीं है कि असं इन्हों के नाल ये भी गल की सी कि हो सकता कोई होर NGOs अगे आ जाए, हो सकता है कि तुसी बिना कैमरे पर आए थोड़ी मदद हो जाए, लेकिन इन्होंने ये गल खुद कही है कि नहीं असी साड़ी जिन्नी वास असी ला ली है, हुण सानू यह लगता है कि एक सोशल मीडिया एक अजिहा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं वार वार कह रही हूँ कैमरे पर आके किसी का भी जी नहीं करता ये कह कि मैं गरीब हाँ, तो बाकी हम बार बार मंग भी नहीं सकता किसी को। एक्चुअली अजकल सारे अपनी फैमिली किसी ने अगर एक बार देता उन्होंने दूजी बार थोड़े मूँह चुके मैं मंगा कि नहीं जी हूँ मैंने, इस करके मैं थोड़े ही बाणी थोड़े चैनल में मैं क्या नहीं ये चैनल अगे मेरी फरियाद भेजेगा। तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखन वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निघा स्वागत करती हाँ। तो दर्शको एक बाणी चैनल की यही कोशिश रहती होंगी है कि समय समय से साढ़े राही शायद किसी लोड़वंद की मदद हो जाए, वाहिगुरु परमात्मा किसी नू सहारा बना के किसी लोड़वंद दे लई भेज दे, तां इह भी एक बाणी चैनल दे कम दे विचों ही साडा एक हिस्सा है, साडा एक फर्ज है। तो उस दे दौरान अज तुसी वेख सकते हो मैं एक परिवार दे विच बैठी हुई हाँ। परिवार नू तुहाडे नाल मिलाउण तों पहलां मैं एक गल दस दियां कि इस परिवार ने एक बाणी चैनल दे नाल गल कीती, सानू बुलाया मदद दे लई, क्योंकि असी तो साढ़े कोल तो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ तुहाडे अगे उन्हां नू उन्हां दी गल पहुँचा सकते हाँ, उही मदद है। उन्होंने सानू कहा कि साड़ी मदद एक बाणी चैनल दे राही असी वेख्या है कि देशों विदेशों दे विच बैठे जिहड़ी एक बाणी चैनल का हिस्सा बने हुए ने साडा परिवार ने, वह जरूरतमंदा दी लोड़वंदा दी सहायता करते ने, ते अज साडे परिवार नू तुहाडे परिवार की सहायता की बहुत जरूरत है। सब तो पहला तो जिस परिवार के विच मैं आई हुई हाँ मैं उन्हां दे नाल तुहानू मिलवा दिनी हाँ। मेरे नाल वीर जी ने, सब तो पहला मैं उन्हां दा नाम पुछदी हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की नाम है वीर जी तुहाडा? मेरा नाम मनवीर सिंह जी। तो वीर जी जिदा ऑफ कैमरा अपनी गल हुई सी है ना, तुसी मैनू सारी अपनी प्रॉब्लम दसी है और तुसी साडे नाल गलबात कीती है कि सानू सहायता दी जरूरत है, क्योंकि किसी नू चाह नहीं हुंदा कि असी सोशल मीडिया ते आ के अपने घर दा, क्योंकि आप अक्सर कहने होंगे कि घर दियां गल्लां साडे घर दे विच ही रहन है ना, असी आपे मैनेज करिए जिवें भी हो सकदा, लेकिन एक बंदा एक लास्ट इदा मजबूर हो जांदा है कि जी नहीं करदा हुंदा कि बंदा इदा कोई कहिंदा है कि मैनू मेरी अगर बंदे दे कोल आपदे कोल सारा कुछ, अजकल दा जमाना भी यही है बंदे दे कोल चाहे 10 पैसे ने बंदा 50 दसन की कोशिश करदा है ना। सोशल मीडिया दे राही मदद मांग रहे हो तां जरूर सांझा करो कि मदद की क्यों जरूरत है। मदद की जरूरत इस तरह के मेरी जी श्रीमती है उन्होंने सीए की प्रॉब्लम बनी दी है ब्रेस्ट जी, वो कारण मैनू जिन्ना खर्चा सी खर्चा काफ़ी आ रहा, कोई 7-8 लाख रुपया मैं ला बैठे तो खर्चा हाली मैनू कोई 5-6 लाख रुपया और लगने की जरूरत है, क्योंकि जिन्हें भी मैं पहले ये कीमो डोज दिते जी थेरापी लगी सिरनो लगी 13 थेरापियाँ, उस तो बाद मैं सर्जरी कराई है, सर्जरी के राज तो फिर मैनू जो भी लोड़मंद मदद से इधर उधर उस तो बाद हुण मेरे को जो भी मदद है मैं जो भी लावने ला बैठे मगर हुण मेरे को खर्चे की बड़ी जरूरत है। ये तुहाडे वाइफ ने और इन्हां नू कैंसर है ना? कैंसर है। किन्ने समय तो ये बीमारी है? एक कोई पिछले साल तो हुई है जी। उस तो पहला भी इन्हां नू बीमारी? उस तो पहले भी इन्हां नू थोड़ी 2 सर्जरियां आई दियां, एक मैश भी हरनिया की सर्जरी आई है पिछले साल, उस तो पहले भी 19 सर्जरी आई सी।
ठीक है। एक कोई चौथी सर्जरी होने की जी, सर्जरी होगी जी, हम अगर इलाज वास्ते खर्चा बड़ा चाहिए जी। तुहानू मैं दस दिया कि इस परिवार के इन्हों दोनों पेरेंट्स की जड़े है दो बेटियां ने, है ना? मेरी दो बेटियां, बड़ी बेटी 12 साल की है, छोटी बेटी 6 साल की है। उस तो बाद में एक प्राइवेट जॉब कर दें जी, जी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है, प्राइवेट जॉब तो मैं 13-14 हज़ार रुपया सैलरी लेना, उसमें मैं कार भी देखना, बच्चे भी बनाने, मगर खर्चे की बड़ी लोड़ है। तो भीर जी बेसिकली तुम कितों? पिछों असं श्रीनगर के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट पुलगामा तराल तो। तो वीर जी मैं एक होर गल दस दें, जिमें हुण तुसीं अज सोशल मीडिया के उत्ते आए हो, है ना, तुसीं कहा कि साडे जिन्नी रिश्तेदार ने हो सकता सी जिन्ना जिहदे कोलों हुंदा सी मदद कर दित्ती आ जी, हुण इन्ना तां किसे दे घरे वी नहीं, है ना, पिया हैगा वी कोई जिहदे उत्ते कहिंदे ने पई हुंदी आ, उहनूं ही पता हुंदा वा कि असीं किवें इस चीज़ नूं कढणा। तां हुण इक बाणी चैनल दे राहीं आपां तुहाडी मदद दी जिहड़ी गुहार ला रहे हां, इक ज़रिया बन रहे हां, पर यह ना हो कि कल नूं कई बार हुंदा कि गाह रिश्तेदार आके कहण भी असी मदद नूं तैयार सीगे, या साडे तक तां गल ही नहीं पहुंची, या सानूं तां कहा ही नहीं गया, हुंदा ना कई बार। एक्चुअली मेरे जिन्ने भी रिश्तेदार ने, चाहे मेरे सहुरे दी तरफों होण, चाहे मेरे अपने फादर साहब दी तरफों, सारयां नूं पता कि बच्चा पिछले 2 साल तो परेशान बिच है, पिछले साल तो जिहड़ी सर्जरी होई है चलो उहदा तां कराता, लेकिन इह सारी सारयां नूं पता कि बच्चा, जिन्हां जिन्हां मैनूं देणी सी उहनां ने आके मैनूं देता, ते बाकी हुण बार बार मंग भी नहीं सकता किसी कोलों कोई। बिल्कुल, एक्चुअली अजकल सारे अपनी फैमिली दे, किसी ने अगर एक बार देता उन्हें दूजी बार थोड़े मुँह चक्के मैं मंगा कि नहीं जी हुण मैनूं दो, इस करके मैं थोड़े ही बाणी थोड़े चैनल में कहा नहीं हुण इहो चैनल अगे मेरी फरियाद भेजेगा तो सब तक मेरी कृपा दे कुछ नाल ही बच्चियां दा भी चलेगा, तो इनकी माँ भी बच जाएगी, छोटी उम्र आ ली इनकी, क्योंकि 37 साल खरी इहदी एज आ, मेरी अपनी 40 साल एज है, 37 साल आ, तो बच्चियां दे करके मैं कहना कि चलो बच्चियां दे करके जी कि चलो क्योंकि उम्र भी बहुत छोटी, इन्नी उम्र दे विच इन्ना वड्डा दुख देखना, किद्दां फैमिली किवें बच्चे जड़े सफर करदे ने, किवें मैनेज करदे हो? हुण मैनेज यू करदा कि देखो जी हुण अज भी असीं मसां ही तुहाडे तों पहले वीर नाल गल कीती, मैं अस्पतालों आए सां, कोई घर दे विच कोई इह नहीं चैन नहीं, सारे घर मेरा परेशान आ, पूरा परेशानी विच घर आ, ना उठन ना बच्चियां नूं कोई लैण नहीं, बच्चियां बेचारियां भी कड़ी कोई इधर होए, इस करके मैं कहना कि तुहाडे चैनल जरिए कोई अगर मदद आएगी तो अगे वास्ते इहदा ट्रीटमेंट चलेगा, ट्रीटमेंट वास्ते ना तो इस तरह मेरे कोलो जी। फिर अगे दा ट्रीटमेंट कित्थे सोचिया वी किवें करना? ट्रीटमेंट तो मेरा इत्थों चलता है अपना बत्रे चलता ओंकोलॉजिस्ट विच, मगर बत्रे भी चलणगे ट्रीटमेंट तां इहदे पैसे होणगे। इक डोज दा किन्ने पैसे उन्हां ने बोलिया? एक डोज का हाली घट्टो घट 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आता जी, तो मैं कोई साल के 12 डोज देने, नवंबर तक देने मैं 12 डोज देने, और उस तो बाद 15 लेजा थरापियां लगदियां उन्होंने जी जी, वो अलग लगनी। हाँ, तो जिस तरह के नाल तुसीं सुनिया वीर जी उन्होंने कहा कि चलो तुहाडे सारयां दी मदद दे नाल दो बच्चियां दी माँ बच जाएगी, एक फरियाद ही कर रहे ने, एक सहारा तुसीं बन जाओ सारे। तो जिवें हमेशा अक्सर ही आपां सोचते होंगे ना, एक कहावत भी बनी हुई है कि बूंद बूंद दे नाल जिहड़ा सागर भरदा है, तो जेकर तुसी सारे तिल तिल अपने तिल फुल दे विच थोड़ी भी सहायता करोगे तो शायद जिस कंडीशन दे विच अज इह माँ है अपनी बच्चियां दा ध्यान रख सकेगी, अपने परिवार दे विच होएगी। हुण वीर जी उन्होंने कहा कि जिन्नी उन्हां दी वाह सी उन्होंने ला ली हुई है, पेरेंट्स वालों भी मदद की गई है, अपने रिश्तेदार भाईचारे वालों भी जिन्नी बनती हुई मदद की गई है। हुण वही कह रहे हैं कि वार वार किसी के कोलों मंगना भी नहीं चंगा लगता, क्योंकि अक्सर यही होंदा साडा दुनियावी तौर दे उत्ते कि एक बार जेकर असी किसी तो लै लिए तो उसके बाद जिन्ना चिर उहदे मोड़िए ना तो बंदा दूजी बारी मंगण जोगा भी नहीं होंदा। लेकिन इन्होंने कहा वीर जी जिस तरह के नाल तुसीं उन्हां दा ट्रीटमेंट करा रहे हो 6-7-8 महीने तो, हाँ तुसीं कहा कि मैं घर ही हाँ, है ना, तो फिर अपना जॉब नूं किवें तुसीं मैनेज करदे हो? एक तो 7 महीने में बिना जॉब दो ही मैं सैलरी मिली है, और सैलरी देने वाले जनता मेडिकल आलन, खासकर मेरे कमल बाबू गुफ्तन माजन उन्हें जनता मेडिकल आलन, उन्होंने मैनू बिल्कुल 7 महीने फ्री बैक के मैं सैलरी दी, उन्होंने मैं सैलरी पूरी 7 महीने की जी। तो अज भी मैं जदों उन्होंने को फिर दोबारा ज्वाइन किए, मेरे नाल चलते कॉपरेट करते हैं, कहें तू जा, उन्हें यही मैंने कहा कि छुट्टी किन्नी टाइम तो कदे नहीं पूछा कि भाई तू उधर किधर गया, वो हर वक्त मैंने कहते तू जदू मर्जी जदू जा, कोई पहले अपनी मैडम का इलाज करा ले, तो पैसा उन्हें मैंने 7 महीने तनख्वाह बह के दी है जी। इतने तो यह भी लगता कि चलो इंसानियत है भी है, भाईचारा भी है, जिते
इन्होंने कहा कि जिते ये काम करते हैं उत्थे उन्होंने इंसानियत के तौर के उत्ते 7 महीने अपनी वाइफ का जो ट्रीटमेंट कराने के लिए इधर उधर जाते रहे तो उन्होंने इन्हों जी सैलरी जी दी है। तो हुण आपां इन्हां दी वाइफ दे नाल भी गल करदे आ क्योंकि हसबैंड ने जिन्नी उन्हां दी वास सी उन्होंने ला दिती है तो जो गल उन्होंने सांझी करनी सी वह भी उन्होंने कीती है। हुण मदद करन दा फर्ज आ जिहड़ा वह अपना सारिया का बनता है। तो नाल ही आपां वीर जी उन्होंने नाल गल करदे आ क्योंकि ऑफ कैमरा इन्होंने मैंने दस्या कि कश्मीर तो कुछ संस्थावां ने भी जिहड़े साडे वीर ने उत्थे वलंटीयर्स ने संस्थावां चला रहे ने NGOs चला रहे ने उन्हां दे वल्लों भी जिन्नी जिन्नी हो सकदी उन्होंने मदद कीती है। आपां ओह वी जाण लैंदे आ कि किवें किवें मदद है जिहड़ी उन्हां संस्थावां दे राहीं कीती गई है। जी वीर जी, एक संता साडी उधर श्रीनगर दी जीवन जोत संता उन्हें ही मदद कीती आ। एक डॉक्टर जसविंदर सिंह उन्होंने भी मैनू मदद की है जी जी। एक त्राल दी और संस्था बनी थी वह मैनू ना तो इस तरह नहीं उन्होंने भी मैं सहज सभा उन्हें ही मदद की है जी जी जी। ते चार तंजीमा उन्होंने चार जिहड़ियां संता बनी उन्होंने मैनू मदद की है जो भी उन्होंने कोलो जिन्ना भी हो सके उन्होंने मैनू मदद की है। ये नहीं कह नहीं पिछे नहीं हटे जी जी। जिस तरह के नाल तुसीं सुनिया आप अक्सर ही देखते हुए जीवन ज्योत सोसाइटी होगी तो उत्थे जिहड़े डॉक्टर साहब ने वह भी अपने फर्जा बहुत चंगी तरह के नाल समझते हैं तो होर भी जिहड़ियां संस्थावां दा इन्हां ने नाम लिया कि उन्होंने वालों जिनी जिनी हो सकती है उन्होंने अपने वालों पूरी कोशिश करके इन्हों की जी मदद की है। धन्यवाद करते हैं जी वीर जी। रैड क्रॉस वाले ने भी मदद की है जिहड़े श्रीनगर रैड बैग वाले ने रैड बैग वाले सरदार जी ने उन्होंने भी मैंने 2 बार मदद की है जी। बिल्कुल हुण तुसीं वीर जी उन्हां दी गल्लां तो यही सुने ही आ कि चलो जिन्ना जिन्ना जिहदे कोल हो सकिया उन्होंने किया तो हुण मदद की गुहार लगा रहे ने कि वह कहिंदे ने जिन्नी मेरी वाह है तो जिन्ना जिहदी वाह सी उहने लगा ली है तो हुण देखदे आ परमात्मा वाहिगुरु चलो किसी पिछे वस के तो शायद इन्हां दी जिहड़ी मदद हो जावे। तो तुहानूं उस भैन जी उन्हां दे नाल भी मिलाउंदे आ जिहड़े इस दर्द की घड़ी दे विचों लंघ रहे ने जिहड़े अपने शरीर के उत्ते इस दर्द नूं हंडा रहे ने। वैसे तो यह है कि सारा परिवार ही इन्हां दे दर्द नूं महसूस कर रहा लेकिन जिहदे नाल बीतदी है मैनूं लगता है कि अपने शरीर एक हुंदा कि दिल तो सारिआं नूं तुहाडे लई दर्द है ना लेकिन जिहड़ा दर्द तुसीं अपने शरीर के उत्ते हंडा रहे हो वह शायद असीं महसूस नहीं कर सकते। 2 बच्चियां भी ने है ना तो किदां दा जदों तुसीं इदां बैड ते हुंदे हो इदां लगदा हैल्पलैस जिहा फील करदे हो कि मैनूं आए हुंदा वी मैनूं ही क्यों अजिहा हो गया है ना। बंदा ये सोचदा कि सारी दुनिया इदां ही तुरी फिरदी है तो मैं क्यों इदां। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा फतह। मैं बहुत दुखी हाँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है पर मेरा घर वाला 10-12-13-14 हज़ार रुपया पे लैने। मेरी छोटिया छोटिया 2 बेटी मैनु पता ही नहीं चले अचानक मैनू ये प्रॉब्लम कदों आ गई। पिछली जुलाई बच्चे मैं श्रीनगर चली गई उत्थे मैनू महंगे महंगे डोज चढ़े जिहड़ा भी बेचारे ने जोड़िया सी। पहले मेरी आर्नियां दा ऑपरेशन होया 3 लाख रुपये मैनू उत्थे लगया वो मेरी पास चलती रही। गर्मियों में मैनू आथरे इत्थे मैनू गिल्टी नज़र आई मैं टेस्ट कराया मेरा टेस्ट खराब आ गया। इन्नी गर्मी जम्मू भी सी मेरे सरदार जी आखन लगे मेरी फैमिली आख लगी तुसी कश्मीर जाओ किसी चंगे डॉक्टर को दिखाओ तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं एकदम प्राइवेट चली गई सारे को मदद ली सारे ने मेरे अपने रिश्तेदार ने अपनी फैमिली ने बहुत अच्छे मदद की थी। मैं चली गई मेरे डोज भी चढ़े उ महंगे डोज मेरा ऑपरेशन भी होया मैनू फिर उ किडनी हॉस्पिटल वाले ने इतने रैफर किया आख मैं आख मेरे छोटिया छोटिया बच्चिया ठंड में मैनु कितना टाइम हो गया घर आए ने मैं हम ठंड में जम्मू जाना चाहती हाँ मैनू एक कुर्ते रहना पैंता सी उत्थे चिलक लाने में डॉक्टर ने गर्म कपड़ा मना किया पाने वास्ते मैं इस तरह कमी सो मैनू डॉक्टर ने आख्या अच्छा तू जा सकती है उत्थे तू डोज चढ़ा सकती है। इतने मैं आई हाँ बत्तर हॉस्पिटल इतने मेरे डोज चढ़ने लाल दवाई आँदी वो मेरे 4 डोज चढ़े पहले इतने 13 उत्थे चढ़े 4 इतने चढ़े वो चढ़ा के परसों में पिछे गई डॉक्टर को आखन लगे रेडिश भी आनी है तुहानू 15 दिन लगातार आना डेली 1000 रुपया मैं दिहाड़ी आटो का खर्चा आता जो 2 बारी बुलासा तो 2000 रुपया लगता। फिर मैं हम डॉक्टर ने आखे था कि 1 साल और डोज महंगे वाले जो कश्मीर चढ़ाती से वो चढ़ने पूरे तो तू ठीक होएगी। तो एक जिदा मैं वीर जी उन्होंने नहीं गल की आयुष्मान का एक कार्ड भी बनया हुआ आयुष्मान भारत योजना जी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖਰਚਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰੂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਾਰਡ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਚਾਰ ਡੋਜ਼ ਚਾੜ੍ਹਨੇ ਸਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੈਡਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਾਸਾਂ ਕੀ ਕਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਪਰ ਡੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਆ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਤੇਰੀ ਏਜ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਤਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਉੱਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਗੀ ਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਪੁਗੜ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਛੋੜਦੀ ਦੌੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਮੰਨੇਗਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਛੋੜਾਂ ਆਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੈਸਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰ ਪਾਪਾ ਕਮਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏਗਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾ ਸਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਂ ਕਿਸੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੰਝੂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਟਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਲਗਾਵਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝੋ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਮੈਡਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੋੜ ਦਿਓ ਪਾਜਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਹੰਝੂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ
कि मैं नहीं इन्हां नूं कढ सकदा क्योंकि मैं इन्हां दा हौसला। लेकिन कई वारी कहिंदे ने ना घर दे जदों घर दा थम ढह ढेरी ढह जांदा है तां उदों पता लगदा कि इस घर दी बुनियाद हिल रही है, वाकई इस घर दे विच दुख है, परिवार इस समय दुख दे विच है। ते नाल ही भैन जी उन्होंने यह भी कहा कि जिन्ना बनता, मैं ऑफ कैमरा भी गल की, इन्हां दे जिहड़े सहुरा साहब ने, इन्हां दे जिहड़े मदर इन लॉ ने, उन्होंने क्या इन्होंने भी दस्सिया कि जिन्नी हो सकती इन्हां ने भी वाह लाई है, इन्होंने पूरी मदद की है। इउं नहीं है कि अगर घर दे विच एक बंदा बीमार पिया तो दूजा नूं चलो आपदे उपर हंडा रहा, नहीं पूरा परिवार इन्हां दी मदद कर रहा। लेकिन इत्थे एक गल जरूर है कि अज दे जमाने दे विच भावें बंदे कोल घट होवे, लेकिन कहिंदे ने ना कि हर एक इंसान यह दसना चाहुंदा है कि मेरे को ना बहुत है, और दूजे नूं पता लगे कि मैं किन्नी ज़्यादा मेरी वाह वाही होवे इस गल नूं लैके कि मैं वधिया आपदे घर। लेकिन किसी का भी कैमरे उत्ते आके हुण मैं इन्हां दा फेस इस करके दस रही हूँ क्योंकि इन्होंने मैनूं कहा है कि असी हाथ जोड़ के बेनती करना चाहते हाँ, असी एक दरख्वास्त एक फरियाद करना चाहते भी भाई साड़ी मदद करो। बहुत सारी मदद होंदी है, हुण सोशल मीडिया जिहा एक प्लेटफॉर्म आ, की पता तुसी सारे इन्हां दा सहारा बन जावो, की पता अज मैं लाइव कर रही हाँ तो कल नूं मैं भैन जी उन्हां दा लाइव करा और यह फिर सारे का धन्यवाद करने कि अज मैं आपके बच्चों के विच ठीक है। चलो जिन्ने भी साल आ ट्रीटमेंट के नाल यह वधिया आपके बच्चों पाल लैन। दो बच्चियां ने बहुत जरूरत है उन्होंने अपनी माँ की, क्योंकि जो एक माँ सामभ सकती है बच्चों, जो एक माँ कर सकती है, शायद दूजा भावें बहुत ज़्यादा करता रहे लेकिन कभी ना कभी फिर भी महसूस होंगे कि मैं इतने करना सी, मैं नहीं कर पाई, है ना, मैं हैल्पलैस फील कर रही हाँ। मैनू तो तुम देख सकते हो मासूम जिया ये दोनों बच्चिया ने, इन्हों शायद हले इन्हों समझ ना हो, लेकिन इन्नी तो जरूर समझ है ना कि जो बहर देखदिया होनी कि बच्चे दावा आदियां ने साड़ी मदर या जो हक दे नाल असी एक माँ नूं कह लैना वो असी नहीं कह पा रहे हैगे। तो अखीर दे विच बस मैं यही कहांगी कि इन्हां नूं तुहाडी मदद की जरूरत है, और नाल ही मैं एक जरूर यही गल कहांगी कि असी इन्हां दे नाल ये भी गल कीती सीगी कि हो सकता कोई होर एन जी ओज़ अगे आ जाण, हो सकता है कि तुसी बिना कैमरे ते आए तुहाडी मदद हो जाए, लेकिन इन्हां ने ये गल खुद कही है कि नहीं असी साड़ी जिन्नी वास ही असी ला ली है। हुण सानू ये लगता है कि एक सोशल मीडिया एक अजिहा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं वार वार कह रही हाँ कैमरे ते आके किसी का भी जी नहीं करता यह कहने कि मैं गरीब हाँ। जो बंदा बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता उन्होंने लगता है कि हुण, क्योंकि कहिंदे ने ना कि गल दुनिया दे विच आ जाती है तो बंदे का जी नहीं करता अजिही चीज़ कहने। गुरसिख परिवार है, आप किन्ना गुरद्वारा साहब जाके भी तो दिने होर भी आप कहने कि गरीब का मूँह आ जोड़ा गुरु की गोलक है, तो एक गुरसिख परिवार को बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत है। देशों विदेशों के लंगर जा लाए जा रहे हैं सिखा दे वलों, केड़ी थां ते सिख जिहड़ी मदद नहीं कर रहे लोगों की बिना किसी जात मजहब धर्म के, अज साडे ही धर्म का साडे ही कम्यूनिटी का साडे ही एक साडा भैन भरा वीर एक मुसीबत दे विच उहदे बच्चे मुसीबत दे विच, तुसीं बजुर्ग वेख सकते हो नम अखां दे नाल एक कहिंदे ने हैल्पलैस जिहनूं कहिंदे ने उदां उह विचारे बैठे हुए ने। तां जरूर बेनती करांगी कि अपने वालों एक कोशिश की है, एक कोशिश तुहाडे सारयां दे नाल ही जिहड़ी पूरी होवेगी, ये परिवार है ये जिहड़ी एक माँ अपने बच्चों के विच वधिया तंदुरुस्त बैठी होवेगी तां जो सानू भी लगेगा साडी ये कोशिश जिहड़ी कामयाब हुई है। सहारा तुसी बनोगे, रब तुहाडे दिलां दे विचकार ही वसेगा, असी तां सिर्फ एक साधन है एक प्लेटफॉर्म है, तो जरूर मदद करो जिन्ना जिन्ना जिहदा बनदा, जरूर अपना योगदान दिओ तां जो एक माँ अगली वारी जो इन्हां दे नाल गल करिए तंदुरुस्त होण, वधिया अपने परिवार के हसदे खेडदे होण। वाहिगुरु परमात्मा तुहाडे दिलां दे विच वसे। वेला हो गया तुहाडे तों इजाजत लैण दा जी, मैनूं दिओ इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Yeah.